बड़वानी कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़वानी कृषि उपज मंडी में आज आदिवासी जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम दिखाया, जहां आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पांडाल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। वहीं मंच पर भी इंदौर सहित खरगोन, बड़वानी, झाबुआ के कांग्रेस विधायक मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ द्वारा शिवराज और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी मुद्दे पर भी शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी को भी बेरोजगारी मुद्दे पर, वहीं कोरोना के मुद्दे पर शिवराज सरकार को असफल बताते हुए दावा किया कि छिंदवाड़ा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों पर नीमच और नेमावर की घटना को उठाते हुए इसे आदिवासियों के साथ अत्याचार बताकर सरकार को घेरा। सरकार को सौदेबाजी कर बनी हुई सरकार करार देते हुए मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को डराने और छुपाने वाली राजनीति करना करार देते हुए जब मंच से कहा कि शिवराज को मैं बोलता हूं, वह अपना नाम शुरुआत सलमान कर ले क्योंकि वह एक्टिंग बहुत खूब करते हैं, उन्हें मुंबई चले जाना चाहिए जिससे प्रदेश का नाम एक्टिंग में रोशन हो जाएगा। इस दौरान जनता ने खूब ढाके लगाए। वहीं स्थानीय विधायक ग्यारसी लाल रावत पर हुए प्रकरण दर्ज के मुद्दे को उठाते हुए बड़वानी कलेक्टर के व्यवहार पर भी अधिकारियों को मंच से खुलेआम बोले। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे इन नौजवानों की, ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित है, यही नौजवान हमारे निर्माण मालवा मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। यही नौजवान 20 साल पहला नौजवान की तरह नहीं है, आज के नौजवान में एक तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, ये आज अंतर है। और यही सबसे बड़े चिंता की बात है, वहां बैठे हुए मुझे खुशी नहीं आ रही थी, मुझे चिंता हुई कि इन नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, यही जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। आज ये बहुत है, कोई उपाय नहीं, शिवराज सिंह जी से कहो घोषणा कर देंगे, शिवराज सिंह जी से कहो घोषणा कर देंगे 1,00,000 नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। उन्होंने तो पिछले 2 साल में 4,000 घोषणाएं कर दी, 15 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी। मोदी जी से कहोगे, मोदी जी कहेंगे 1,00,000 करोड़ रुपए मैं अलॉट कर रहा हूं रोजगार के लिए। ये वही मोदी जी है जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, याद है? ये यही मोदी जी है जो कहते थे कि किसानों को नफा होगा, 50% नफा होगा, 15,00,000 रुपए आएंगे, यही मोदी जी है ना, मैं तो नहीं कह रहा, आपने सुना हुआ ना। अधिकारियों से भी हिसाब किताब लिया जाएगा, कमलनाथ ऐसे नहीं छोड़ेगा। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के बड़वानी से महेश कुमावत की रिपोर्ट।